बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, ये क्लिप जो हम टॉप्सों के पीछे लगाते हैं, और इसके लिए क्लिप लगाने के लिए पहले एक फिटिंग बनानी पड़ती है, जिनके ऊपर हम ये क्लिप जिनके अंदर फिक्स करते हैं, और उनकी वजह से क्लिप जो हैं वो खुलते और बंद होते हैं। तो वो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ कि वो किस तरह से बनाए जाते हैं। तो उसके लिए पहले ये देखें, ये तारें जो हैं वो एक साइज़ की काटी जाती हैं, और इन तारों को थोड़ा सा गर्म कर रहे हैं। इन तारों को गर्म करके फिर हम आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से ये बाकी का प्रोसीजर होता है। शायद ये ना देखा हो पहले किस तरह से लोग जो हैं वो बनी बनाई चीज़ों को नज़र आती हैं, लेकिन बनाया कैसे जाता है, कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत लगती है, और इसमें ना एक्सपर्ट होना पड़ता है, कारीगर ज़ाहिर है उसका काम है। तो बहर आपने शायद ना देखा हो, तो मुझे उम्मीद है आप देख के इस चीज़ को इंजॉय करेंगे और आपके इल्म में भी इजाफा होगा ज़ाहिर है। तो ये तार को हम पहले इस तरह से हम एक शेप दे लेते हैं, सरू की शेप दे देते हैं, उनको गर्म करते हैं, तो फिर उसके बाद ये ज़रा आसानी हो जाती है। और इनके जो तारों के मुंह आप खुले हैं, उनको हम टांका लगा के बंद कर देते हैं, ताकि नेक्स्ट प्रोसीजर जब हम करें इनको हम फोल्ड करेंगे, तो इनको इनके मुँह ना खुले, आसानी से ये फोल्ड हो जाए। एक एक पीस को पकड़ के इस तरह से जो है वो टांका लगाना पड़ता है, टांका भी जो है वो इधर उधर ना जाए, बड़े तरीके से इसको लगाना पड़ता है टांका। ये जो क्लिप और इसके फिटिंग जो बन रही है, ये किसी भी आप देखेंगे किसी भी टॉप्स, जितने सोना चांदी हो, पीतल हो, जो भी हो, उसके अंदर सब के अंदर ये इसी तरह से लगते हैं क्लिप। ये देखें, ये इसको हम बोलते हैं अड्डा, और ये ख़ास तरीके से आपको मैंने इसको फोल्डिंग करके दिखाई है। और ये देखें, दोबारा दिखाता हूँ आपको, ये इसको बड़े तरीके से इसको होल्ड करना पड़ता है इस तरह से। ये लोहे की तार है जिसके साथ हम इसको होल्ड कर रहे हैं, और थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड करेंगे पहले, बाद में इसको। ये मैंने जिस तरीके से आपको दिखा दिया है, अगर कोई इसको सीखना भी चाहे तो वो बड़े आराम से ये इसको कर भी सकता है। अगर कोई आप जैसे कोई ऐसा स्टूडेंट बैठा होगा जो सीखना चाह रहा हो, तो उसके लिए ये बड़ी आसानी है। ये जिस तरह से मैंने जितनी तफसील से ये चीज़ दिखा दी है ये अड्डे बनाने का, तो वो बड़े आराम से इसको सीख भी सकता है और उसको खुद से कर भी सकता है। और आप भी देखें, उनको ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं है। तो इन अड्डों के ऊपर जो क्लिप चलाएँगे हम, मैं आपको वो दिखाता हूँ, ये ख़ास साइज़ है क्लिपों का, वो हम काट लेते हैं। ये दोनों तारें देखें, एक साइज़ की मैंने काटी। अच्छा, इनको जो है वो हमने गर्म नहीं करना है, क्योंकि ये सख्त होती हैं, तो इनके अंदर प्ले ऐसा आता है कि ये क्लिप चलते हैं, और क्लिप चलने के साथ इसके कानों को जो है वो होल्ड भी करते हैं ये। तो ये इसको गर्म नहीं करना है, क्योंकि गर्म होने से सोना नरम हो जाता है, हमने नरम नहीं करना है इसको। तो इसको ये देखें, ये यहाँ से पकड़ के एंड से थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड कर किया जाता है, और बहुत थोड़ा सा थोड़ा तरीके के साथ इसको फोल्ड किया जाता है। ये देखें, एक इसको हम बैंड जो है और देंगे अभी साइड से। ये देखें, ये हल्का सा बैंड दे देते हैं, तो इससे जो है वो क्लिप चलने में और आसानी हो जाती है। ये अभी मैंने इनको टॉप्स पे नहीं लगाया, मैं आपको वैसे ही चला के दिखाऊंगा। ये देखें, ये देखें ये किस तरह से इसके अंदर ये मूव कर रहा है।
उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो नाज़रीन, और आपने सीखा हो कि क्लिप किस तरह से बनाए जाते हैं अड्डा। देखें ये बूंदे हैं, और इन बूंदों के पीछे के ऊपर जो टॉप है इसका, इसके पीछे से ये सारी की सारी, ये देखिए ये लगे हुए हैं अड्डे, और ये इसके क्लिप हैं, और ये कान के अंदर चला जाता है डंडाला ये वाला, और ये क्लिप उसके पीछे से। तो पता ही होगा खासतौर पर लेडीज़ को अच्छी तरह आइडिया, ये पहनती हैं, तो ये कान के अंदर चला जाता है ये वाला डंडाला, और ये पीछे से कान को यूं करके क्लिप ये होल्ड कर लेते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको मैंने आज रानी ख्याल के चीज़ पहले बना के दिखाई हो, तो मैंने कहा आज आपको ये चीज़ दिखा दी जाए कि कैसे होती है, किस तरह से इसके ऊपर लगते हो जो काम करते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको पसंद आई होगी